वहां पर इतनी गर्मी है ना ओंटारियो में, टोरंटो में, और यहाँ पर एकदम से बाहर आने पर इतनी ज्यादा, इतना ज्यादा फर्क पता चल रहा है। 12 डिग्री टेम्परेचर है और वहां पर 18 डिग्री टेम्परेचर था। अभी सुबह के 3:50 हुए हैं और मैं 3:30 बजे उठ गया था आज। अभी ब्रश वगैरह करके सारा कुछ करके हटा हूँ, बस फ्रेश वगैरह होके, तो नहाने के बारे में अभी सोच रहा हूँ नहाऊँ या ना नहाऊँ, क्योंकि 4:15 बजे घर से निकलना है और आज हम जा रहे हैं बैक टू हैलिफैक्स। एनीवेज वेलकम बैक टू कंडा व्लॉग। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर आपको कैसे लगे वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग विद दिस ब्यूटीफुल व्लॉग। टुडे दिस इज माई लास्ट व्लॉग ऑफ ब्रैम्पटन ट्रिप। तो अभी इसके बाद व्लॉग शुरू होंगे इन्फॉर्मेटिव व्लॉग स्टूडेंट्स के लिए, मेरी लाइफ के व्लॉग्स, मेरे लाइफ स्टाइल के व्लॉग्स, मेरी पीआर के व्लॉग्स, मैं कैसे पीआर लूंगा उसके व्लॉग्स, मैं जॉब क्या करता हूँ उसके व्लॉग्स, तो अभी ये सारे व्लॉग्स आएंगे और आएंगे अभी व्लॉग्स आपके लिए इन्फॉर्मेटिव। तो अगर आप कोई भी चाहते हो ना कि मुझे मैं बनाऊं, तो मुझे आज कमेंट करके इसी वीडियो पर बता देना कि आप दिमाग में कौन सा व्लॉग है, आप कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, क्या आप जानना चाहते हो और क्या चाहते हो कि मैं क्या बनाऊं, तो फिर मुझे कमेंट में जरूर बताना, तो मैं आपके कमेंट के ओवरव्यू करूंगा। मेक श्योर कमेंट जरूर करना क्योंकि मैं इस वीडियो के हर एक का कमेंट रीड करने जा रहा हूँ आज, ठीक है। बस मेरी फ्लाइट है 7 बजे की, तो हम घर से जल्दी निकल जाएंगे। आपको याद होगा मेरी फ्लाइट मिस हुई थी ना, तो मैं नहीं चाहता इस बार भी मेरी फ्लाइट मिस हो वापस जाने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि नहा ही लेना चाहिए, मैं करूंगा भी क्या ना, ऐसे फ्री तो थोड़ा सा बंदा फ्रेश सा हो जाता है नहा कर। तो बस अभी नहा कर रेडी से होकर फिर निकलते हैं घर से। रोहित मेरे साथ जाएगा एयरपोर्ट पर, फिर रास्ते में दिखाते हैं आपको सारा कुछ कैसे कैसे सब कुछ होता है, ठीक है। अभी पूरे 4:16 हुए हैं और हम घर से निकल भी चुके हैं, 4:15 से पहले ही मतलब निकल गए थे आज सुबह, और 15 मिनट का रास्ता बता रहा है बस एयरपोर्ट का। तो अभी तेल डलवाने के लिए रुके हैं यहाँ पर सुबह। रोहित का काम है 6 बजे, तो ये मुझे छोड़कर निकल जाएगा सीधा काम पे। लेकिन हाँ, आज जल्दी पहुँच जाएंगे ना, तो जल्दी इसीलिए जा रहे हैं ताकि बैग वगैरह जमा हो जाए वहाँ पर और बोर्डिंग वगैरह टाइम से हो जाए। पिछली बार जैसे फ्लाइट मिस हुई थी इसी वजह से हुई थी। तो सुबह बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है बाहर, एकदम खाली पड़ी हुई हैं सड़कें, लेकिन बस 1 घंटे की और बात है। जैसे ही 5 बजेंगे सभी अपने काम के लिए निकलना शुरू हो जाएंगे घर से। और लेकिन हाँ, आज तो सॉरी लॉन्ग वीकेंड है ना, तो आज यहाँ पर मोस्टली सभी को ऑफ है, सभी की छुट्टी होगी आज, तो इसीलिए सारी सड़कें वगैरह खाली लग रही हैं आज बाहर। चाय टी लाते किद करा, मेरी भी ओही समॉल करा, मीडियम कराना जी। खाना तो कुछ नहीं, तू यो खाना करा ला, माड़ा जा खा लूं कुछ। हाय, कैन आई गेट वन स्मॉल चाय टी लाते प्लीज एंड टू एवरीथिंग बेगल। ओ मैं नहीं खाना, ओ प्रभा दूसरा तू किधर ही लिया तेरे लिए। मैं तेनू क्या, मैं खाना नहीं खाऊंगा, जदा खमिचो खा जाना ना, थोड़ा जा खा जांदा फेक ही हो जांदा तेनू। बस ऑलमोस्ट पहुंचने लगे हैं एयरपोर्ट। ये देखो, ये सारा मतलब बहुत बड़ा एयरपोर्ट है टोरंटो का, तो बहुत ज्यादा बड़ा, काफी पीछे से शुरू हुआ है। तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, मेन एयरपोर्ट है कनाडा का, वो देखो सारे प्लेन्स वगैरह वहां पर खड़े हुए हैं, तो ऑलमोस्ट सारा कुछ यहीं पर होता है। जो भी फ्लाइट लैंड होती है इंटरनेशनल फ्लाइट, वो यहीं पर आती है सबसे पहले, बाकी सारी बाद में कहीं और। तो अभी बस पहुंचने वाले हैं हम, अभी 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी 4:37 हुए हैं। हमने कुछ ज्यादा सीरियस ले लिया इस बार काम को, फ्लाइट में कहीं मिस हो जाए, इसलिए हम इतनी जल्दी पहुंच गए आज, है ना रोहित? सही बात है। रात को हम 10 बजे 11 बजे 11:30 बजे सोए थे और सुबह 3:30 बजे हम उठ गए हैं। और मेरी फ्लाइट तो चलो 10 बजे हैलिफैक्स के टाइम के हिसाब से पहुंच जाएगी वहां पर, यहाँ के टाइम के हिसाब से 9 बजे, और ये रोहित अभी जाएगा काम पर इसके बाद 6 बजे। बस फिर अभी फ्रेश होकर हटा हूँ, आज तो बहुत जल्दी पहुंच गया एयरपोर्ट पर। अभी तो 5:15 भी नहीं हुए, 5:13 हुए हैं, और उन्होंने कहा है कि 5:15 6 बजे तक आपने गेट तक आना है, तो अभी भी 1 घंटा पड़ा है। लेकिन मैं अभी जा रहा हूँ और मुझे यहाँ पर पहुँचे हुए ऑलमोस्ट कुछ 15-20 मिनट हो गए हैं, वॉशरूम वगैरह जाकर अभी फ्री हुआ हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी गेट की तरफ, तो गेट पर जाकर सिक्योरिटी वगैरह करवा कर मैं जा रहा हूँ कि वहीं पर जाकर थोड़ा ड्राइव थ्रू वगैरह घूम लेंगे ना, और तो कुछ है नहीं यहाँ पर करने को एयरपोर्ट पर। अभी अभी अपनी सिक्योरिटी कंप्लीट हुई है और अपना गेट है B19,
तो टाइम है हमारे पास टाइम से, लेकिन सिक्योरिटी क्लियर हो गई, 5:34 तो हो गए हैं ना, तो इसलिए अभी टाइम से पहुंच जाऊंगा मैं अपने गेट तक। तो फिर मेरे पास अभी काफ़ी टाइम है, 7 बजे मेरी फ़्लाइट है, लेकिन उन्होंने कहा 6:15 बजे तक आपको वहाँ तक पहुँचना है, तो फिर भी मैं अपने टाइम से पहले पहुँच रहा हूँ। अभी तक सारा कुछ बंद है ऑलमोस्ट यहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर भी, पता नहीं ये कोविड के कारण बंद है या फिर सुबह के कारण बंद है, ये देखो समझ नहीं आ रहा कुछ। लेकिन एयरपोर्ट पर तो खुला रहना चाहिए ना सारा कुछ, कितना बढ़िया बना हुआ है, क्लासिक सा बनाया हुआ है इन्होंने सारा कुछ। और ये सिक्योरिटी के बाद वाला है, मतलब सिक्योरिटी हो चुकी है, डन हो चुका है सारा कुछ, बस मैं अपने गेट की तरफ जा रहा हूँ। कि देखो ऐड लगी हुई है यहाँ पर, वाह। लो जी पूरे 6:27 पर हम अंदर जा रहे हैं प्लेन के, 7 बजे हमारी फ़्लाइट निकलेगी यहाँ से, और पूरे 6:30 बजे से पहले हम अंदर जा रहे हैं। मुझे भूख लग गई है, अभी 2-2.5 घंटे लगेंगे पहुँचने में। It's almost like you make me fly. And when I look at you smile, I don't know how, but it feels like I'm drunk on you. It feels like I'm drunk on you. It feels like I'm drunk on you. सो ऑलमोस्ट आफ्टर 2 आवर्स के बाद मैं नोवा स्कोशिया पहुंच गया, और अभी ये जो आप देख रहे हो ना, ये नोवा स्कोशिया है। अभी मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाता हूं जब मैं वहां टोरंटो से आया, और अभी जब आप नोवा स्कोशिया देख रहे हो कितना प्लेन है, कोई भी आपको बिल्डिंग नहीं दिख रही नोवा स्कोशिया में, दूर दूर तक आपको कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ पेड़ ही दिखेंगे। और अभी आप देखो टोरंटो फुल ऑफ बिल्डिंग्स, फुल ऑफ लाइट्स, मतलब भरा हुआ है ट्रैफिक के साथ, लाइट्स के साथ, है ना। अब अगर यही चीज़ आप नोवा स्कोशिया में देख रहे हो, सिर्फ आपको जंगल ही जंगल दिखेंगे, पेड़ ही पेड़ दिखेंगे। हाँ, ये एक चीज़ एडवांटेज भी है, एक डिसएडवांटेज भी है, तो ये अब आप पर डिपेंड करते हैं कि आप इसको कैसे ऑब्जर्व करते हो, एज एडवांटेज और एज अ डिसएडवांटेज। फाइनली लैंड हो गए हैं अभी यहाँ पर। अभी टाइम कितना हुआ है, 9:59 हुए हैं, एग्जैक्ट टाइम पे बाहर आया हूँ मैं। अभी ये रहा मेरा प्लेन, देखो जिसमें से मैं अभी आया हूँ ना, मौसम काफ़ी बढ़िया हुआ है, धूप निकली है बाहर, लेकिन अभी निकली है। पहले जब पूरा वीक ब्रैम्पटन में बारिश पड़ती रही, और अब धूप निकल गई। फाइनली बैक टू नोवा स्कोशिया पहुंच गया हूँ हैलिफैक्स, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे, मतलब वहाँ पर इतनी गर्मी है ना ओंटारियो में, टोरंटो में, और यहाँ पर एकदम से बाहर आने पर इतना ज़्यादा फ़र्क पता चल रहा है। 12 डिग्री टेम्परेचर है, और वहाँ पर 18 डिग्री टेम्परेचर था, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पता चल रहा है मुझे, जैसे सर्दी फील हो रही है मुझे, इसके ऊपर मुझे ठंड लग रही है, तो देख लो कितना डिफरेंस होगा टेम्परेचर का कैनेडा में। फाइनली पहुंच चुके हैं अपने घर पर, होम स्वीट होम। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये रहा मेरा घर। काफ़ी खाली खाली सा लग रहा है मुझे आज यहाँ पर, पता नहीं क्यों, और थैंक्स गिविंग है ना इसलिए। लेकिन वहाँ पर बहुत भीड़ थी टोरंटो में, और टोरंटो में इसलिए भीड़ होगी क्योंकि वहाँ पर लोग इंडियंस बहुत हैं, और इंडियंस थैंक्स गिविंग मनाते नहीं है ना इसलिए, तो लेकिन आज यहाँ पर थैंक्स गिविंग है, तो सारा कुछ ऑलमोस्ट बंद है। तो हमने काफ़ी कुछ लेना था, लेकिन बंद निकला सारा कुछ। खाने के लिए लेने के लिए गया, खाना लेने के लिए गया था मैं, लेकिन कुछ मिला ही नहीं, तो टीम से कॉफ़ी लेकर आना पड़ा। और अभी घर पे पहुंचा हूँ, बस लगेज वगैरह ऊपर लेकर जाते हैं, ज़रा देखते हैं अपने घर को वापस एक बार फिर से। बहुत बढ़िया ट्रिप निकली, और आज से हमारी एडिटिंग शुरू होगी ब्लॉग्स की। अभी तक आपने सारे देख लिए होंगे ब्लॉग्स, ये वाला लास्ट वाला होगा जो आप देख रहे होंगे, लेकिन मतलब आज जो आपने ब्लॉग देख चुके हो ना अब तक सारे, सबसे पहले वाला ब्लॉग जो आया होगा फ्लाइट मिसिंग वाला, वो आज उसकी एडिटिंग शुरू होगी।
तो अभी अभी बस अपनी अनपैकिंग करके हटाऊं मैं, सामान वगैरह निकाल के हटाऊं। ये सारे कपड़े हैं अभी, इनको मतलब सारे ही कपड़े ऑलमोस्ट वॉश करने वाले हैं। ब्रैम्पटन में मैंने कुछ भी वॉश नहीं किया था, तो अभी करूंगा सारे कपड़े वॉश। थोड़ा सा खलारा पड़ गया है लेकिन अभी साफ कर दूंगा, सारा उठा लूंगा। तो अभी अपने घर में आकर काफी बढ़िया लग रहा है, क्योंकि काफी मुझे ये घर पसंद है ना, ये वाली जगह बहुत पसंद है मुझे, इसलिए काफी बढ़िया लग रहा है यहाँ पर। लेकिन अब एक पंगा यहाँ पर जो हो गया है वो ये, हमारी ये मशीन जो है ये चल नहीं रही, ये खराब हो गई है। तो पता नहीं इसको क्या हो गया, इसकी जो बीच में बेल्ट होती है ना, हमारे ओनर ने कहा वो वाली खराब हो गई, वो चेंज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए अभी आजकल जो नीचे है ना, नीचे वाले फ्लोर पे कोई भी नहीं रह रहा, वो खाली है। तो उसने वो नीचे वाला फ्लोर ओपन कर दिया, उसने कहा वो वाली आप लॉन्ड्री यूज कर लो जब तक ये ठीक नहीं होती। तो अभी वो वाले सारे कपड़े मैं नीचे वॉश करने के लिए डालने जा रहा हूँ। मुझे टेंशन है ऑलमोस्ट, ये सारे कपड़े नए हैं वैसे तो, ये मैंने शॉपिंग की थी ना जो वहां से ओंटारियो से, तो ये सारे नए कपड़े हैं अभी। बस मुझे ये टेंशन है कि इनका कलर ना उतरे, क्योंकि मेरे नए कपड़े हैं सारे, बस खराब नहीं होने चाहिए। ये देखो, इस जगह पर हम पहले रहा करते थे, आपने देखा होगा जो मेरे पुराने व्लॉग्स देख रहे हैं उनको पता ही होगा, यहाँ पर मैं पहले रहता था इस जगह पर। तो काफ़ी टाइम रहा हूँ, 2-3 महीने, तब मैंने ये इंटरनेट लगवाया था बेल का यहाँ पर, और ये मेरा कमरा हुआ करता था उस वक्त। लेकिन फिर मैं ऊपर मूव हो गया था, क्योंकि ऊपर वाला मुझे ज़्यादा बढ़िया लगता है। ये है नीचे वाली मशीन, ये है वॉशर जिसमें हमने कपड़े वॉश करने हैं, और ये है ड्रायर जिसमें कपड़े हमने सुखाने हैं। तो इस वक्त यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन ही चल रही है, हमारा ओनर कंस्ट्रक्शन करवा रहा है ना, ये वॉल वगैरह ऊपर ये सारी चेंज करवा रहा है, छत वगैरह। कोई आजकल यहाँ पर रह नहीं रहा, नहीं तो उसने ये वाला पोर्शन भी रेंट पे दिया होता है। सो इट वॉज माई लास्ट व्लॉग ऑफ ब्रैम्पटन ट्रिप। तो आपने देख लिया, अभी वापस आ गया मैं हैलिफैक्स। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आपने जो प्यार दिया ना मेरी ब्रैम्पटन ट्रिप को, और ब्रैम्पटन के जो व्लॉग्स डाले मैंने उनको प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अगर आपको पसंद आए तो जरूर बताना कमेंट करके, आगे हम और ट्रिप्स प्लान करेंगे ऐसी किसी और जगह की, यहाँ के व्लॉग्स बना बना कर आपको दिखाऊं मैं। अभी तो मुझे 5-10 दिनों में 2 महीने हो जाएंगे वापस आए हुए ब्रैम्पटन को, लेकिन ये वाला व्लॉग लास्ट व्लॉग था ब्रैम्पटन से वापस आने का। बस ऐसे ही प्यार देते रहना, आगे अब व्लॉग शुरू होंगे मेरे, मेरी लाइफ के, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या जॉब्स वगैरह करता हूँ, कैसे मैं अपनी PR लूंगा, क्यों अभी तक मेरी PR नहीं हुई, और बाकी सारे व्लॉग्स, इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स आएंगे, नोवा स्कोशिया के बारे में व्लॉग्स आएंगे, स्टूडेंट्स के लिए व्लॉग्स आएंगे। इसलिए कमेंट्स करके जरूर बताना मुझे क्या क्या आप चाहते हो, ठीक है। एनीवेज, जो नए आए हैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, स्टे होम स्टे सेफ, की वॉचिंग कंडा व्लॉग, सी इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइस।